एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप जो ज्येष्ठ मास की एकादशी है उसकी महिमा के विषय में कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे साथ में इस समय सत्यवती नंदन अर्थात वेदव्यास जी विराजमान हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, तो आज इनके मुख से हम एकादशी की महिमा श्रवण करते हैं। वेदव्यास जी ने एकादशी के विषय में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को दोनों पक्षों की जो एकादशी पड़ती है अर्थात माह की दोनों एकादशी में कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो सारे पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह उन्होंने एकादशी की महिमा का बखान किया। तभी वहाँ उपस्थित भीमसेन जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिराज, मेरी माता कुंती, द्रौपदी और बड़े भैया युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे तो एकादशी का व्रत करते हैं, मैं व्रत नहीं कर पाता हूँ। मुझे इतनी भूख लगती है कि अगर दिन में एक समय भी मुझे भोजन मिल जाए तो भी मैं भूखा ही रहता हूँ, तो मैं कैसे एकादशी कर सकता हूँ। भीमसेन जी बताते हैं उनके पेट में एक वृक नाम की अग्नि है जो निरंतर प्रज्वलित रहती है, उसके लिए उनको भोजन करना आवश्यक होता है। तो भीमसेन जी कह देते हैं, मुनिराज मुझसे तो ये नहीं होगा। तो वेदव्यास जी उनको कहते हैं, यदि तुम चाहते हो तुम्हें भयंकर विकराल रूपों वाले यमदूत ना ले जाएं तो तुम्हें एकादशी करनी चाहिए। तो भीमसेन जी वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं महीने में दो बार तो नहीं लेकिन साल में एक बार व्रत रख सकता हूँ। एक व्रत रखने से मुझे सारा फल मिल जाए, बार बार भूखा ना रहना पड़े। तो वेदव्यास जी ने फिर उनको बताया कि जो ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, इस एकादशी को आप निर्जल रह के करो। इस दिन आप सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक बिल्कुल भी जल ग्रहण ना करें, केवल आचमन और कुल्ले के लिए कर सकते हैं। यदि आप इस तरह निर्जल रह के एक व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जब भीमसेन जी ने ऐसा सुना तो उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, एक दिन तो मैं रह सकता हूँ। फिर भीमसेन जी ने इस निर्जला एकादशी को बड़े विधिपूर्वक पालन किया, जैसा श्रील वेदव्यास जी ने बताया। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से जल का त्याग कर देना चाहिए तथा इस दिन दान करने से जो इस दिन गाय का दान, भूमि का दान, वस्त्र, स्वर्ण, छाता और जल से भरा हुआ कलश आदि जो दान करता है तो वो स्वर्ण के सिंहासन में बैठ के स्वर्ग जाता है। और इस दिन एकादशी के दिन जो जागरण करता है, रात्रि भर जागरण करके भगवान का नाम कीर्तन करता है, उसकी 100 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। और इस निर्जल एकादशी को जैसे जैसे व्यक्ति एक एक पहर को पार करने लगता है, प्रत्येक पहर में उसे कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल मिलता जाता है। इतनी महिमा है इस एकादशी की। अतः हम सभी को इस दिन पूर्ण मनोबल के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ के संकल्प करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप शक्ति दें जिससे मैं ये निर्जल एकादशी संपन्न कर पाऊँ। और ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए जल का पूर्ण रूप से त्याग करता हूँ। और अगले दिन जब द्वादशी का समय पारण टाइम आए तो पारण समय पर ब्राह्मणों को, वैष्णवों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि दान करके हम पारण करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। और इस एकादशी के महात्म्य को जो सुनता है और जो कहता है उसको सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा।